अस्सलाम वालेकुम गाइस, हम अपने YouTube चैनल पे आपको वेलकम कहते हैं। फाइनली आज हम सुबह सुबह रेडी हैं इस्लामाबाद जाने के लिए। ये देखें, हमारे सारे सामान सब कुछ पैक है, बिल्कुल रेडी हैं। हम जा रहे हैं आज फैसल मोर से, 11:30 की हमारी टिकट है, तो अभी हम रेडी हैं। और हमारी जो डिपार्चर है उंजा वैली से वो 11:30 बजे है, तो इंशाल्लाह कल सुबह हम इस्लामाबाद पहुँच जाएंगे। चलो 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 चलो, देख सारे यहाँ पे हमने जैसे करके लाए है, अभी गाड़ी रोकते हैं। टाइम शॉर्ट है तो हम इसी में जाएंगे, क्योंकि सामान भी रखेंगे आराम से, खुद भी बैठ के 3-4 मिनट की तो ड्राइव है यहाँ से अड्डे तक। लो जी गाइस, हमारी राइड हुंजा वैली से शुरू हो गई इस्लामाबाद के लिए। फैसल मोर के अड्डे में पहुंच गए। ये देखो गाइस, कितनी बड़ी बस है हमारी, और ये बस हमारी रेडी है। अभी सामान उतारेंगे, चढ़ाएंगे और निकलेंगे यहाँ से इस्लामाबाद के लिए। वाह, सीटें भी बड़ी मजे की है ना, और टांग के सामने ना गैप भी काफी ज्यादा है, तो ये चीज मेरे लिए ना ज्यादा कंसर्न है। फाइनली चल पड़ी हमारी बस, एग्जैक्ट 30 मिनट लेट। सुबह जब हम पहुंचे हैं गिलगित सिटी, यहाँ 30 मिनट बस रुकती है, यहाँ के पैसेंजर बैठेंगे, गाड़ी फुल होगी, फिर हम निकलेंगे। खाने का टाइम तो हो चुका है, लेकिन बस अपने मुकर्रर टाइम पे आगे होटल पर हम उतार देंगे। तब तक बच्चों को भूख थी, इसलिए कुछ चीज़ दिलाई है। और ये देखो अजान मज़े से खा रहे, कैसा लग रहा है अजान? अच्छा लग रहा है ना? सफ़र कैसा रहा अभी तक? फिलहाल बिजी है अंजुम, अपने गेम में बिजी है, यमुना रजान भी गेम में बिजी हैं। जब से बस में बैठे हैं ना, ये सिर्फ गेम ही खेल रहे हैं। गिलगित से इस्लामाबाद के लिए ना हमारे पास दो ऑप्शन थे, एक बस का था, एक प्राइवेट कार का। कार पे तो सफ़र आरामदेह है, लेकिन किराया बहुत ज़्यादा है। कार का जो फेयर है ना वो 38,000 है उंजा से, तो बस हमारे लिए ना ज़्यादा इकोनॉमिकल रही, इसीलिए हमने बस का सिलेक्शन किया। और दूसरी बात यह है कि हमारे बच्चों को फैसल मोर बहुत पसंद है, क्योंकि ये LEDs लगी है ना, तो सामने ये गेम्स वगैरह कार्टून वगैरह देख के अपने आप को एंटरटेन कर लो। अंजुम को हेडफोन चाहिए, हेडफोन चाहिए। रजान को भी सुकून नहीं है, कभी उस LED पे जाएगा, कभी इस पे आएगा, कभी उस साइड पे जाएगा। अभी रात हो गई है, ये देखें लाइटें भी बंद है और सारे पैसेंजर सो चुके हैं। मुझे भी नींद आ रही है, तो अभी मैं सो जाता हूँ और डिनर टाइम पे हम आपसे दोबारा मिलेंगे। गाइस फाइनली हम सुमर नाला रुके हैं खाने के लिए, तो बस खाना खाएंगे, 30 मिनट का ब्रेक है, फिर इसके बाद हम नॉन स्टॉप सीधे पहुँच जाएंगे इस्लामाबाद। तो गाइस हमें स्पेशल रूम मिला है यहाँ पे, यहाँ का स्पेशल रूम ऐसा ही होता है मेहमानों का। ये देखो चारपाइयाँ हैं स्पेशल, ये टेबल है, यहाँ पे भी चारपाई है। जी भर के इन दोनों ने गेम खेला है, अभी सफर कहाँ खत्म होगा? अब पूरी रात आपने गेम खेला, आपने सोना नहीं है मुझे पता है। जिस रूम में अभी हम बैठे हैं ना खाने के लिए, ये होटल का सबसे VIP रूम है। हम अंदाजा करें कि ये क्या इसके ऊपर इस तरह के होटल्स हैं, सेटअप कोई अच्छा नहीं है। खाने में हमने काबिर पुलाव, कीमा और साथ रोटी ऑर्डर किए। अरजान पुलाव मजे से खा रहा है। तो गाइस अभी ना प्लान में कुछ चेंजिंग हो गई है, अभी 1 घंटा हमें वेट करना पड़ेगा, क्योंकि आगे ना रोड पे काम हो रहा है। और ये नवीद साहब हमारे ड्राइवर हैं। तो नवीद साहब, कितना टाइम हमारा, कितना सफर हो चुका है अभी तक? ये तकरीबन हमारा आधा सफर हो चुका है, आधा रहता है, आधा रहता है। सुबह कितने बजे पहुँचेंगे? 5 से 6 बजे के करीब। सही, तो बहरहाल इन्होंने ना इन्होंने ड्राइविंग बड़ी अच्छी की अब तक,
सफर अब तक अच्छा रहा, उम्मीद है कि आगे वाला सफर भी अच्छा होगा। बहरहाल गाइस, ये नवीद साहब हमें ना बड़े प्रोटोकॉल में लेकर आए हैं। जहाँ रुकते हैं वीआईपी रूम मिलता है, वीआईपी खाना मिलता है। अच्छा एक्सपीरियंस है अभी तक जो सफर हुआ। चले जी गाइस, वंस अगेन वी आर टू लेट। ये देखो, ये हमारा भाई भी हमारे साथ। फाइनली बस चल पड़ी है, सीधे हम उतरेंगे इस्लामाबाद। अभी हमारे बच्चे लगे हैं गेम में, ये पूरी रात इसी तरह गेम खेलते रहेंगे, ये सोएंगे नहीं। मुझे नींद आई है, मैं सो जाता हूँ और आपसे मिलते हैं कल सुबह इस्लामाबाद में। लो जी गाइस, फाइनली हम पहुँच गए फैजाबाद अड्डा, और सुबह की इस वक्त एग्जैक्ट 6 बजे पहुँच गए ना हम लोग इस्लामाबाद। देखिए गाइस, ये ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा सोया है पूरे सफ़र में, बाकी टाइम सिर्फ और सिर्फ ये कार्टून देखता रहा, ये वीडियोस मूवीज देखता रहा। आओ यमुना आ जाओ। हमने पहला कदम रखा पिंडी इस्लामाबाद में। सभी साहब बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा लगा आपके साथ सफ़र करके, थैंक यू सो मच। बहुत ठंड है गाइस सुबह के टाइम पे यहाँ इस्लामाबाद में। बस थोड़ा सा वेट करेंगे, जब अंधेरा ख़त्म होगा फिर हम टैक्सी लेंगे यहाँ से मरीज के लिए। लगभग हमें कितने घंटे लगाएंगे जो? अठारह घंटे लगेगा इस, 18 घंटे। आज हमारे इस्लामाबाद का पहला नाश्ता है। नाश्ते में हमने ऑर्डर किया है चने और पराठे। गाइस, पंजाब का पहला नाश्ता है और बहुत मजे का। गाइस, सिराज भाई के साथ हम अभी निकले हैं मरी के लिए। फुल फ्लेज हम जंगल में आ गए हैं, घने घने जंगल के अंदर से ये खूबसूरत रोड जा रही है आगे माल रोड साइड पे। फाइनली हम पहुंच गए होटल। तो ये रहा हमारा रूम, सिंपल सा रूम है, बड़ा मज़े का है। ये दो बेड लगे हैं, साथ में अटैच बाथ है, और यहाँ पे टीवी है। टीवी नहीं चलती। हमारा रूम ना काफ़ी सिंपल है, बिल्कुल यूनिक, लेकिन मज़े का है। तो गर्म पानी है, टीवी है, लाइट है, सब कुछ है। इतनी नींद है आंखों में कि आंखें खुल नहीं रही। तो अब हम आराम करेंगे, रेस्ट करेंगे 2-3 घंटे तक। तो बस इसी ब्लॉग हम ये एंड करते हैं। थैंक यू सो मच ब्लॉग देखने का, बहुत बहुत शुक्रिया। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिए सो मच। अल्लाह हाफिज़।